इफ़ यू आर समवन जो कि बहुत सारे क्लाइंट्स को कोल्ड पिच या कोल्ड ईमेल करता है बट उनमें से आधे से ज़्यादा का रिप्लाई नहीं आता, और अगर कुछ का रिप्लाई आता भी है तो द आंसर इज स्ट्रिक्ट नो। तो आज का वीडियो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए है। आजकल जितने भी फ्रीलांसर्स हैं, चाहे वो कंटेंट राइटिंग के हों, एडिटिंग के हों, डिज़ाइनिंग के हों या एक्स वाई जेड कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हों, उनको कोल्ड पिच या कोल्ड ईमेल करना ही पड़ता है टू अ बंच ऑफ पीपल टू गेट पोटेंशियल क्लाइंट्स। बट दिक्कत ये है, हम में से आधे से ज़्यादा को पता ही नहीं है कि कोल्ड ईमेल लिखने का सही तरीका क्या है। हमें ये नहीं पता है कि कोल्ड ईमेल लिखते टाइम वो कौन सा स्पाइस या वो कौन सा इंग्रेडिएंट है जो कि क्लाइंट को जाके हिट करेगा और हमें वो जॉब अपॉर्चुनिटी या जो भी सर्विस है वो हमें दे देगा। इसीलिए आज के इस वीडियो में आई विल टेल यू हाउ टू हिट द बुल्सआई। आई विल टेल यू अ स्टेप बाय स्टेप टेक्निक कि कोल्ड ईमेल कैसे लिखते हैं। इसके अलावा आई विल टेल यू द थिंग्स ऑल्सो कि जो तुम करते हो, जो गलतियां तुम करते हो कोल्ड पिच के टाइम और आगे तुम्हें नहीं करनी है। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट मी स्टार्ट बाय टेलिंग यू व्हाट इज कोल्ड पिचिंग और कोल्ड ईमेलिंग। कोल्ड पिचिंग और कोल्ड ईमेलिंग इज अ वे ऑफ नेटवर्किंग विद पीपल हुम यू डोंट नो बट कैन बी योर पोटेंशियल क्लाइंट्स। अगर सपोज़ तुम एक हेल्थ कंटेंट राइटर हो और तुम्हें एक लिंक्डइन पे किसी भी हेल्थ वेबसाइट के कंटेंट मैनेजर या कंटेंट एडिटर की प्रोफाइल दिखती है, तो दैट कंटेंट एडिटर कैन बी योर पोटेंशियल क्लाइंट। इसीलिए तुम इस कंटेंट एडिटर को एक कोल्ड ईमेल लिखोगे टेलिंग अबाउट योर सर्विसेज एंड आस्किंग फॉर वर्क। इसी टेक्निक को हम कोल्ड ईमेलिंग कहते हैं। बट जितना ईजी ये साउंड करता है उतना है नहीं। आजकल जितने भी CEO हैं, रिक्रूटिंग मैनेजर्स हैं, फाउंडर्स हैं या कोई भी इंसान जो कि जिसको सर्विसेज की ज़रूरत होती है, उसके पास हंड्रेड्स ऑफ मेल आते हैं और उस हंड्रेड्स ऑफ मेल्स में से वो कुछ ही सिलेक्टेड ईमेल को ही पढ़ते हैं और उनको ही रिप्लाई करते हैं। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो तुम्हारा कोल्ड ईमेल है वो इतना अच्छा होना चाहिए कि जिसको तुमने सेंड करा है वो तुरंत ही तुम्हारे ईमेल को पढ़ के तुम्हारा रिप्लाई करे। मैंने खुद स्टार्टिंग में हंड्रेड्स ऑफ लोगों को ईमेल करा है और यकीन मानो शुरुआत के एक दो महीने तो किसी का भी रिप्लाई नहीं आया क्योंकि मुझे वो कोल्ड ईमेलिंग की राइट टेक्निक नहीं पता थी। बट फिर मैंने काफ़ी सारे परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशंस लगाए और फिर वो राइट टेक्निक सीखी कोल्ड ईमेल करने की। बट तुम्हें वो सब नहीं करना पड़ेगा क्योंकि मैं तुम्हें आज वो स्टेप बाय स्टेप टेक्निक बताने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टेप बाय स्टेप कोल्ड ईमेलिंग टेक्निक। द फर्स्ट स्टेप टू राइट द परफेक्ट कोल्ड ईमेल इज राइटिंग अ सब्जेक्ट लाइन दैट हिट्स द बुल्सआई। अगर तुम किसी भी क्लाइंट को ईमेल करते हो तो जब भी वो क्लाइंट अपना मेल बॉक्स खोलेगा तो तुम्हारे ईमेल की उसको सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट लाइन दिखाई देगी। तो इसीलिए इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि तुम एक ऐसी सब्जेक्ट लाइन बनाओ जो कि जो तुम्हारा क्लाइंट है उसको इंटरेस्टिंग लगे, उसको अट्रैक्टिव लगे और वो इतना क्यूरियस हो जाए कि तुम्हारा मेल ओपन करे बिना रह नहीं पाए। अगर मैं अपनी बात करूं, जब से मैंने YouTube चैनल स्टार्ट करा है, मेरे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, मेरी एक ब्रांड अवेयरनेस हो गई है, तब से मुझे काफ़ी सारे मेल्स आने लगे हैं। उन सारे ईमेल्स की जनरली सब्जेक्ट लाइन होती है अर्जेंट, गिव मी सम वर्क, गिव मी इंटर्नशिप, आई प्रोवाइड सोशल मीडिया सर्विसेज, आई एम अ वर्चुअल असिस्टेंट, वीडियो एडिटर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यानी कि जो 99% ईमेल्स होती हैं वो सारी ही नॉर्मल होती हैं। उनकी सब्जेक्ट लाइन पढ़ के मैं बता सकती हूँ कि अंदर ईमेल में क्या लिखा होगा। तो अगर सपोज़ कोई मुझे ईमेल करता है टेलिंग दैट पर्सन प्रोवाइड्स वीडियो एडिटिंग जॉब, पर अगर मेरे पास खुद के पास एक वीडियो एडिटर है तो चांसेस ये है कि मैं उसका ईमेल ओपन नहीं करूँगी क्योंकि मुझे सब्जेक्ट लाइन में ही पता चल गया ये मुझे क्या कहना चाह रहा है। ऐसे ही सेम चीज़ हमारे हम जब कोल्ड पिच करते हैं एंटरप्रेन्योर CEOs को, तो वो भी यही चीज़ फॉलो करते हैं। अगर उन्हें सब्जेक्ट लाइन कैची नहीं लगती तो वो मेल ओपन नहीं करते। बट कॉन्ट्रेरी टू इट, अगर मुझे कोई एक ऐसा ईमेल करे जिसकी सब्जेक्ट लाइन ऐसी हो, हैव यू एवर थॉट ऑफ ट्विकिंग योर पर्सनल ब्रांडिंग, आई फील योर एडिटिंग लैक्स हियर, और या कोई ऐसा लिखे आई हैव मेट यू बिफोर, डू यू वॉन्ट टू नो वेयर डिड आई मीट यू, कोई कुछ ऐसी सी सब्जेक्ट लाइन लिखेगा तो चांसेस ये है कि मैं उसका ईमेल ज़रूर खोलूँगी क्योंकि आई रियली वॉन्ट टू नो कि उसने मेरे बारे में क्या फाइंड आउट करा है। आई एम रियली क्यूरियस उसकी फाइंडिंग्स के बारे में जानने में, क्योंकि हो सकता है कि उसकी फाइंडिंग्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हो और सच में मैं वहाँ पर लैक कर रही हूँ। सो इन शॉर्ट, यू हैव टू राइट अ सब्जेक्ट लाइन दैट इज़ वेरी कैची, वेरी इंट्रिगिंग। So in short, you have to write a subject line that is very catchy, very interesting, very attractive.
क्योंकि जितनी ही अच्छी तुम्हारी सब्जेक्ट लाइन होगी उतने ही चांसेस हैं कि जो क्लाइंट है वो तुम्हारे मेल का रिप्लाई करेगा। ये हो गई सब्जेक्ट लाइन की बात। अब हम आते हैं स्टेप नंबर 2 पे, जहाँ पे यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू राइट द फर्स्ट 2 पैराज ऑफ योर कोल्ड ईमेल। मैंने ज़्यादातर जितनी भी कोल्ड ईमेल्स आती हैं उनमें एक बहुत ही नॉर्मल सा पैटर्न देखा है। वो पैटर्न ये है कि फर्स्ट 2 पैराग्राफ में वो क्लाइंट के वर्क या क्लाइंट की कंपनी की सिर्फ और सिर्फ तारीफ करते हैं। लेट मी टेल यू, अगर तुम किसी की ईमेल में तारीफ कर रहे हो तो चांसेस ये है उसको इतनी सारी तारीफ पढ़ना पसंद नहीं आएगा, क्योंकि पढ़ने में मेहनत लगती है। मे बी अगर तुम उसके सामने जाके तारीफ करोगे उस क्लाइंट की तो वो सुन लेगा, पर ईमेल में 2 पैराग्राफ की इतनी लंबी चौड़ी तारीफ कोई भी पढ़ना पसंद नहीं करेगा, और चांसेस ये है वो फर्स्ट पहला पढ़ते ही तुम्हारा ईमेल क्लोज कर देगा और तुम्हें रिप्लाई नहीं करेगा। सो इसीलिए आई वुड रिकमेंड यू कि फर्स्ट की जो 1 या 2 लाइन है उसमें तुम क्लाइंट को प्रेस कर दो या क्लाइंट के वर्क को या क्लाइंट की कंपनी को प्रेस कर दो, बट नेक्स्ट लाइन से यू हैव टू कम टू द पॉइंट। यू हैव टू डायरेक्टली टेल द क्लाइंट कि तुम्हें क्या चाहिए। तुम जॉब ढूंढ रहे हो, तुम इंटर्नशिप ढूंढ रहे हो, तुम अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए वर्क ढूंढ रहे हो, या कोई भी एक्स वाई जेड चीज़ जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हें वहाँ पे मेंशन कर देनी है। यू हैव टू बी वेरी वेरी स्पेसिफिक फ्रॉम द फर्स्ट और सेकेंड लाइन इट्सेल्फ। ऐसा करने से जो क्लाइंट होगा जब वो मेल पढ़ रहा होगा उसका टाइम वेस्ट नहीं होगा, और चांसेस ये हैं कि वो तुम्हें डायरेक्टली रिप्लाई कर देगा कि उसे इस सर्विसेज की ज़रूरत है कि नहीं, इस टाइम उसको क्या अवेलेबिलिटी है, या अगर फ्यूचर में उसके पास ऐसा वर्क होता है वो तब तुम्हें कॉन्टैक्ट करेगा। इसीलिए अगर तुम अपने शुरुआत से ही बहुत ही स्पेसिफिक रहते हो तो क्लाइंट के लिए भी ईजी हो जाता है तुम्हारे ई मेल को रिप्लाई करना, और अगर तुम शुरू से ही सिर्फ और सिर्फ प्रेस करोगे या कुछ और बातें बताने लगोगे तो चांसेस ये हैं तुम्हारा ईमेल कोई भी पूरा नहीं पड़ेगा, बट स्टार्टिंग में ही अगर तुम क्लियर कर दोगे तो चांसेस ये हैं तुम्हारे ईमेल का रिप्लाई आ जाएगा। हमने बात कर ली कि सब्जेक्ट लाइन कैसे लिखते हैं और फर्स्ट 2 पैराज कैसे लिखते हैं कोल्ड ईमेल के। अब हम आते हैं स्टेप नंबर 3 पे, जहाँ पे यू हैव टू शोकेस योर पोटेंशियल एंड योर एक्सपर्टीज। अब ईमेल के रेस्ट पैराग्राफ्स में हमें क्लाइंट को ये बताना है कि हमारा जो एक्सपर्टीज लेवल है वो कितना ज़्यादा है, हाउ गुड यू आर एट योर वर्क। अब इसको करने के 2 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है अपना प्रीवियस जो एक्सपीरियंस है उसका एग्जांपल देना। तुम्हें क्लाइंट को बताना होगा कि तुमने प्रीवियसली किसी क्लाइंट के साथ वर्क करा था या किसी कंपनी के साथ वर्क करा था और उसका तुम्हारे वर्क करने के बाद उसका सक्सेस रेट बढ़ गया है, उसकी कंपनी में कैसे कैसे ग्रोथ आई है। सपोज़ अगर तुम एक कंटेंट राइटर हो और तुमने प्रीवियसली किसी भी वेबसाइट के लिए वर्क करा है तो तुम अपने कोल्ड पिच में या अपने कोल्ड ईमेल में ये बता सकते हो कि तुमने प्रीवियसली किसी कंपनी के लिए वर्क करा था और तुम्हारे लिखे हुए कुछ आर्टिकल्स गूगल में रैंक करने लगे हैं। सो दैट वुड बी अ गुड वे टू शोकेस योर एक्सपर्टीज। इसके अलावा अपना एक्सपर्टीज शो करने का सेकेंड वे आउट ये हो सकता है कि तुम क्लाइंट को बताओ कि जो कंपनी उसकी है या जो वर्क उसका करंट वर्क है उसमें तुम कैसे इम्प्रूवमेंट ला सकते हो। इसके लिए तुम्हें जो क्लाइंट का वर्क होगा या जो क्लाइंट की कंपनी होगी उसको स्क्रूटनाइज करना होगा, उस पर रिसर्च करनी होगी, देखना होगा कि सही में वो कौन सी ऐसी शॉर्टकमिंग्स हैं जो उसके काम में अभी हैं और तुम कैसे उसको इम्प्रूव कर सकते हो और कैसे तुम उसके वर्क को ग्रो कर सकते हो। अब इसके लिए तुम्हें काफ़ी सारी रिसर्च करनी होगी क्लाइंट की कंपनी के बारे में। इट इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट, बट अगर तुम 1-2 घंटा दो तुम ये पता लगा सकते हो। बट अब यहाँ पे क्लाइंट की शॉर्टकमिंग्स बताते टाइम यू हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल। ये ध्यान रखना तुम शॉर्टकमिंग्स बताते टाइम रूड ना हो। यू हैव टू बी वेरी पोलाइट। यू डोंट हैव टू राइट यू आर डूइंग दिस रॉन्ग, यू हैव डन दिस मिस्टेक, ऐसे नहीं लिखना। यू हैव टू बी रियली पोलाइट इन योर ईमेल। जैसे कि एक एग्जाम्पल देती हूँ, तुम ऐसे लिख सकते हो, आई रियली लाइक द कॉन्टेंट स्ट्रैटेजिक प्लानिंग यू डू। However, I feel if you tweak the content planning strategy a bit, you can upscale higher. ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है ये बताने का कि उसकी content planning strategy में mistake है और उसको tweak करने की ज़रूरत है। तो तुम्हें भी ऐसे extra polite, polished word use करने हैं short terms बताते time. अब ऐसा करने से client को भरोसा हो जाएगा कि you have done the homework, you know what the client requires and you know how to help the client to grow. सो आई वुड से अगर तुम ये 3 स्टेप बहुत ही अच्छी तरीके से फॉलो करोगे और एक ऐसा ईमेल बनाओगे जो कि पर्सनलाइज हो और क्लाइंट स्पेसिफिक हो,
चांसेस ये हैं जो क्लाइंट है वो तुम्हें ज़रूर से ज़रूर रिप्लाई करेगा, और अगर उसके पास अभी वर्क नहीं होगा तो वो तुम्हें नो रिप्लाई करेगा, बट फ्यूचर में ही और शी विल डेफिनेटली कंसिडर यू इफ़ ही और शी वॉन्ट्स योर सर्विसेज। सो आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आया हो, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वन। उसके अलावा एक बात और, अगर तुम चाहते हो मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियोस बनाऊं तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं उन टॉपिक्स पे वीडियोस बनाने की ज़रूर से ज़रूर कोशिश करूंगी। सो टिल देन, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।